हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। सो आज गाइस हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित है, दैट इज इम्पॉर्टेंट गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट गार्डन ऑफ इंडिया क्या है कि एक्चुअली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठ के आ जाती है। जैसे फेमस प्लेसेस से आप देखोगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, जैसे मॉन्यूमेंट्स या कुछ फेमस प्लेसेस। तो कुछ ऐसे गार्डन्स हैं जो एक्चुअली बहुत फेमस है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स इस तरह के जो होते हैं। ठीक है, आप देखोगे रोज गार्डन, इस तरह के जो गार्डन्स हैं एक्चुअली क्या है, बहुत फेमस है और वहां से क्वेश्चंस जरूर आती है। ठीक है, आप ये मत सोच के चलो कि अरे नहीं आया तो फिर लाइक ऐसे नहीं होता प्रिपरेशन, राइट? प्रिपरेशन के समय आपको क्या करना पड़ता है, हर चीज रेडी करनी पड़ती है। स्टैटिक जीके के ऊपर से और क्या प्रॉब्लम है स्टैटिक जीके में, यू डोंट नो, इवन आई एग्जैक्टली डोंट नो कि यहीं से क्वेश्चन आना है, करेक्ट ना? तो बहुत ज्यादा डाइवर्स भी है भी छोटा लेकिन डाइवर्स भी है। ठीक है, तो मेरा बस पर्पस ये है कि इतना पढ़ा दूं आपको कि क्वेश्चन तो बिल्कुल इधर उधर से ना आए। ठीक है, लाइक देन ये आप पे कहीं ना कहीं आएगा कि आपने अगर नहीं किया ढंग से फिर नोट्स को, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज की गारंटी दे सकता हूं मैं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन इधर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतनी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग लगभग हर एक टॉपिक को धीरे 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 करते हुए कवर कर दिया है जहां से भी क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, मैंने बहुत सारे और एग्जाम्स का भी क्या किया है, बहुत एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि चलो जैसे ये एक टॉपिक है होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझे दिख गया अचानक से कि ये गार्डन किधर है, ये गार्डन किधर है, तो मुझे लगा चलो भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हो सकता आ जाए, स्टैटिक का पार्ट है तो ये टॉपिक के फॉर्म में मैंने आपको सीधा पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको फोकस रखना है, आपको भी थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट इज वृंदावन गार्डन। अब प्रॉब्लम देखो भाई क्या है, वृंदावन से दिमाग में क्या जाएगा बताओ, मथुरा होगा, है ना? और यहीं पे खेलता है पे, मतलब एग्जामिनर आपसे, वृंदावन गार्डन कहां पे? देखो कर्नाटका में, कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में। ठीक है, अच्छे से इन लोगों को ध्यान ध्यान से करना, मैं बार बार बताता हूँ, स्टैटिक जीके किसी का नहीं है, स्टैटिक जीके में मैं प्रैक्टिस छोड़ दूँ, इवन आप प्रैक्टिस छोड़ दो, रिवीजन छोड़ दो, तो किसी का भी दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एज अ टीचर मैं खड़ा होकर आपको कुछ भी बता दूं कि नहीं अरे कुछ भी नहीं होता मुझे सब आता है, ऐसा नहीं होता, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर एक टीचर को और अच्छा टीचर बनना है तो उसे और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सीधी सीधी सी बात है, जब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो आप तो नए फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ट्रू, तो आपको और प्रैक्टिस करने की नीड है। ठीक, चलिए, सो वृंदावन गार्डन देखो कहाँ है, आप देखो उत्तर प्रदेश यानी मथुरा वगैरह में नहीं है, कहाँ पे है, आप देखो कर्नाटका में। ठीक है, पहला बात। नेक्स्ट इज देखो बालासिनोर डायनासोर फॉसिल पार्क। ठीक है, बालासिनोर डायनासोर फॉसिल पार्क, तो डायनासोर के फॉसिल पार्क किधर है, सिर्फ गुजरात में, इस तरह से याद रखो। ठीक है, क्या बोला मैंने, अब तुम्हें हो सकता है कि ये नाम बहुत अजीब सा लगे, बालासिनोर, हो सकता है ना बालासिनोर आपको नाम याद ना रहे, तो आप क्या करोगे, डायनासोर के फॉसिल पार्क किधर है, यानी डायनासोर के कुछ अवशेष कहां रखे गए हैं, गुजरात में रखे गए, क्लियर है चीज। नेक्स्ट इज कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन किधर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहां भी देखो दिक्कत है, कंपनी गार्डन से आपको याद आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कुछ चीज अगर कनेक्ट करना चाहो तो ध्यान आएगा कि अरे भाई वो तो वेस्ट बंगाल में था, है ना? थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एकदम ध्यान रखना आपको, ये वाले जो गार्डन्स का जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसको प्लीज एक से दो बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो चश्मे शाही गार्डन किधर है, आप देखो श्रीनगर। ठीक है, तो कश्मीर के पास आसपास आप देखोगे बहुत सारे गार्डन्स को एक समय बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चश्मे शाही गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में। ठीक है, खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पे गार्डन्स आपको बहुत दिखेंगे। नेक्स्ट इज चंबल गार्डन कहाँ है, राजस्थान में। चंबल गार्डन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोटा के आसपास। ठीक है, चंबल रिवर फ्लो करती है, आपने अगर एक लेक्चर देखा होगा मेरा। ठीक है, सिटीज जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है, ठीक है, रिवर्स के आसपास, उस पर मैंने ये चीज बताया था कि जो चंबल रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है, ग्वालियर मुरैना, ठीक है, डबरा एंड कोटा के आसपास, तो चंबल गार्डन का नाम वहीं से आया है। और चंबल गार्डन कहाँ बनाया गया, राजस्थान के पास बनाया गया, राजस्थान में यानी कोटा के पास। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सारे के सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। अब गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन, गवर्नमेंट को अगर हटा दूं मैं तो बोटानिकल गार्डन से दिल्ली वाले सोचेंगे बोटानिकल गार्डन तो दिल्ली में है ना। ठीक है, जो भी दिल्ली के होंगे उनको पता होगा बोटानिकल गार्डन से इवन एक मेट्रो स्टेशन भी है ना, तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा दिल्ली है, राइट? लेकिन गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन किधर है, आप देखो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज हैंगिंग गार्डन, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, फेमस है मतलब इसलिए स्टार लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है,
मैं कह रहा हूँ बहुत फेमस है हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास है, जो अपने आप में बहुत ही पिक्चर्सक जगह है, लोग जाते हैं उधर घूमने के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का एरिया यानी वेस्टर्न घाट का एरिया ये हैंगिंग गार्डन वहीं पे अवेलेबल है, वहीं पे स्थित है, बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर है, राइट। चलो नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग। ये तो पता होगा आपको जलियांवाला बाग कहाँ पे, पंजाब में है। ठीक है, ये कहाँ पे कब हुआ था ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट, आप देखोगे 1919 में बैसाखी के दिन, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन कहाँ है, तमिलनाडु में, और जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन कहाँ है, गैंगटॉक में, गैंगटॉक में, ठीक है, गैंगटॉक में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये हो गया है कि गैंगटॉक एक्चुअली किसकी राजधानी है, सिक्किम की। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेट देख रहे हैं तो हम लोग स्टेट में सिक्किम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्टली शहर पूछ दिया गया इसलिए इसको शहर मैंने डाला है। ठीक है, चलो सिक्किम, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे सिक्किम ना पूछकर गैंगटॉक आपसे पूछा गया है। ठीक है, किसी ने किसी के पेपर में है ये सारी चीजें, इसीलिए यहाँ पे सारे स्टेट्स की जगह पे अचानक से यहाँ शहर है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको जो भी वो एग्जाम लिया गया होगा वहां पे डायरेक्टली स्टेट नहीं पूछा गया, वहां पे क्या पूछ दिया गया है, शहर पूछ दिया गया। ठीक है, सिक्किम में। नेक्स्ट है कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज आप देखोगे दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, जो भी दिल्ली के लोग होंगे, दिल्ली में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे होंगे उनको पता होगा कालिंदी कुंज कहाँ है। कालिंदी कुंज बेसिकली पिंक लाइन में, ठीक है, और आप देखोगे बोटानिकल गार्डन के पास ही है। कालिंदी कुंज में बहुत बड़ा एक्चुअली पार्क और बन रहा है एक्चुअली में, मैंने जहां तक सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है यहाँ पे कालिंदी कुंज में। ठीक है, नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट ऐसा सुना मैंने कि एशिया का सबसे बड़ा जो पार्क है, लाइक जो कम्युनिटी पार्क होती है जहाँ पे लोग आना जाना कर सकते हैं, वो बनाया जा रहा है कालिंदी कुंज में। ठीक है, चलिए लालबाग। लालबाग बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस है लालबाग। ठीक है, लालबाग कहाँ पे आप देखो कर्नाटका में, कर्नाटका, लालबाग कर्नाटका में। ठीक है, लॉ गार्डन, लॉ गार्डन, लॉ गार्डन भी इंपॉर्टेंट। लॉ गार्डन कहाँ पे है आप देखो गुजरात में, लॉ गार्डन किधर है, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीड्स, लीड्स बोटानिकल गार्डन। सो बोटानिकल गार्डन अपने आप में क्या है, बहुत सारे है। गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन किधर है, तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन किधर है, गैंगटॉक में। लीड्स बोटानिकल गार्डन किधर है आप देखोगे, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दार्जिलिंग में। अच्छा, दार्जिलिंग से एक चीज याद रख लो, दार्जिलिंग एक्चुअली सिलीगुड़ी के अंदर आता है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। दार्जिलिंग किधर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां से बता दूं, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चाय टी कहां होती है, असम में, कहां होती है, असम में। लेकिन हमारे यहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय होती है, प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय होती है वह कहां बनती है, दार्जिलिंग में। ठीक है, होपफुली अगर आप लोग दार्जिलिंग के आसपास के होगे तो कभी ना कभी आपने सच में प्योर दार्जिलिंग टी पिया होगा, प्योर। ठीक है, नहीं तो बहुत चांसेस है कि आप अगर कहीं दूसरे शहर में होंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मामू बना देंगे कि लाइक बेवकूफ बना देंगे कि लाइक ये दार्जिलिंग टी है मैम, ये सर बहुत फेमस है, बहुत प्रीमियम है, लीफ वाला है, ऐसा वैसा करके बनाएंगे। एक चीज आपको बताता चलो थोड़ा सा, कि जो दार्जिलिंग टी है ना, दार्जिलिंग टी का जो ओरिजिनल वेरियंट्स है वो 4,000-5,000 रुपए किलो आता है। ठीक है, और इसलिए ये कहाँ भेज दिया जाता है, यूके वगैरह में, जहाँ पे लोग दूध के बिना चाय पीते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल ऐसा डाला और पूछते हैं लाइक मिल्क शुगर, ये पूछते हैं, है ना, तो एज अ रिफ्रेशमेंट यूज करते हैं। तो वहां पे जो हमारे यहाँ पे जैसे गोल गोल दाने दाने वाला होता है चाय का पत्ता, वहां वो नहीं होता, लीफी होती है, थोड़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लाइक बाय फॉर्चुनेटली कह लो मैंने वो चीज पिया हुआ, बिकॉज मेरे कोई नोन में उनका अपना चाय का बागान है। ठीक है, तो वहां से मैंने पी लिया समहाउ। ठीक है, मतलब नोन मतलब बहुत दूर में, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वहां से मुझे किस्मत से मुझे पीने को मिल गया, एंड इट इज वेरी डिफरेंट। जो चाय का हमारा स्वाद है ना, जो चाय का हमारा स्मेल और बाकी चीजें हैं, उससे बहुत अलग है एक्चुअली ये चीज। ठीक है, बहुत रिफ्रेशिंग एक्चुअली में होता है। ठीक है, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे वो दाम लोग दे ही नहीं पाएंगे, वो कॉस्ट दे ही नहीं पाएंगे। कोई सुनेगा 4,000-5,000 इवन 10,000 तक जाते हैं दाम, तो आप सुनोगे चाय का मतलब दाम अगर 10,000 रुपए कोई लेगा, लेगा ही नहीं, बट यूरोप में उसकी डिमांड है, बाहर डिमांड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, लोधी गार्डन। लोधी गार्डन बहुत फेमस है न्यू दिल्ली में। ठीक है, लोधी गार्डन बहुत ही बड़ा अच्छा सुंदर सा है लोधी गार्डन। ठीक है, दिल्ली में आप देखोगे है। नेक्स्ट इज मलामपुजा, मलामपुजा गार्डन, मलामपुजा गार्डन, मलामपुजा गार्डन किधर है आप देखोगे, केरला में, केरला में। ठीक है, तो ये वाले जो आपको गार्डन्स मैंने करवाए हैं इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोराइज आपको करना ही पड़ेगा, बार बार बता रहा हूं, रिविजन करो धीरे 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 धीरे, देखते देखते क्या होगा ना, एग्जाम हॉल में हो सकता है आपको एग्जैक्ट याद ना हो, हो सकता है।
ठीक है, कुछ बातें मेरी याद आ जाएगी जैसे, ठीक है। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू का था उन्होंने, तो आप सोच लो कि जवाहरलाल नेहरू को पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, तो वो कहाँ है? गैंगटॉक में, राइट। ठीक है, गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन, तो गवर्नमेंट का पकड़ बहुत कहाँ पे आप देखोगे? तमिलनाडु में बहुत गवर्नमेंट की पकड़ है वहां पे। अजीब सा चीज है, लेकिन वहां पे ना बीजेपी आती कभी, ना कभी भी कांग्रेस आती है, ना कभी सीपीआई आती है, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी वहां पे कभी भी क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाती। वहां पे डीएमके और एआईडीएमके अलग सा है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल देखोगे तमिल लोगों द्वारा ही बनाया गया अपना रीजनल पार्टी है, उनका ही दबदबा है, ठीक है। और ये बहुत सालों से चल रहा है वहां पे। तो तमिल के जो लोग हैं अपने कल्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन वहीं पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रॉक गार्डन, बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस मैं लगा ही दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आई गेस, ठीक है। आप देखो जो लीड्स बोटानिकल गार्डन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोधी गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजामपुजा गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे आप उसमें स्टार लगा लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो गुलाब बाग, दैट इज सज्जन निवास गार्डन। गुलाब बाग भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब बाग, ठीक है। ये रोज गार्डन नहीं, गुलाब बाग अलग है, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? राजस्थान में। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का बहुत फेमस है, नेकचंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नेकचंद ने इनको डिजाइन किया था, ठीक है, ध्यान रखना, नेकचंद ने इनको डिजाइन किया था इस पूरे गार्डन को, ठीक है। नेक्स्ट है सरिता उद्यान, सरिता उद्यान, ठीक है, विद्यान नहीं होगा, उद्यान होगा, सरिता उद्यान। सरिता उद्यान के दर आप देखो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है शालीमार बाग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा वाला क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया ये, रॉक गार्डन, शालीमार बाग, ये सब बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था श्रीनगर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सुंदर सुंदर बाग हैं, ठीक है, बहुत सारे सुंदर सुंदर बाग हैं, लाइक दैट इज गार्डन्स है, ठीक है। इसी से आप देखोगे शालीमार बाग है, शालीमार बाग का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, उसमें जाऊंगा तो थोड़ा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, शालीमार बाग के लिए। नेक्स्ट देखो द रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल, रॉयल है तो रॉयल मतलब कौन थे, लाइक ब्रिटिशर्स के बारे में बोला जाता था, द रॉयल एम्पायर, द रॉयल किंग, ऐसा करके, है ना। तो आप समझ जाओ कि उनका एग्जिस्टेंस कहाँ जाता, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, तो देखो आंसर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप फ्लावर है, फ्लावर है, ट्यूलिप क्या है, एक फ्लावर है, और ये श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में। तो आप अगर एरिया के हिसाब से भी करोगे ना तो आपको आसान लगेगा, है ना। श्रीनगर में दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन है, कौन से, शालीमार बाग और दूसरा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन में बहुत सारे ट्यूलिप्स लगे होते हैं, इन सबको संभव हो तो कभी कभी जो ये गार्डन्स में बता रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रोज गार्डन, देखो मैंने बताया था रोज गार्डन अलग है, है ना। तो रोज गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट चंडीगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि 1000 से ज्यादा वेरियंट्स के फ्लावर्स मतलब रोज लगे हुए हैं, ठीक है, 1000 या कहीं पे कुछ और लिखते हैं, ठीक है। तो डेटा छोड़ दो, मतलब इतना समझ सकते हो कि बहुत सारे वेरियंट के क्या लगे हुए हैं, रोज लगे हुए हैं, व्हाइट से लेके ब्लू, उसके अंदर का बहुत सारे और कलर है ना, ये सब लगाया गया है। नेक्स्ट इज वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था वैली ऑफ फ्लावर किधर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, वैली कहाँ होती है, वैलीज किधर होती है, पहाड़ों पे। तो पहाड़ों से दो स्टेट तो आपको तीन स्टेट ही याद आएगा, जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। तो थोड़ा सा गैस वर्क से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने इसलिए आपको मार्क करके दे दिया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, और प्लीज अगर लिखते नहीं हो तो लिख लिख के किया करो, नोट्स बनाओ अच्छे, ठीक है। ये सब चीजें तो यहाँ रह जाएंगी, बट आपके कॉपी में, आपके नोट्स में होना चाहिए। एग्जाम टाइम में आप क्या एक एक वीडियो खोल के तो देखोगे नहीं, राइट। अगर आपने एक अच्छे से नोटबुक में सब कुछ कर लिया तो वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, यही अप्रोच होना भी चाहिए, सिस्टमैटिक और संगठित एक जगह पे होना चाहिए, सब कुछ एक जगह होना चाहिए, सो दैट आप फटाफट उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। चलिए होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एक मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 नाम से एक ऐप है, जहाँ पे आप जाके अगर आपको CVT या बाकी कुछ और कोर्सेज में हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप उसको बाय भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।